चौराहे पर भीड़ इकट्ठी करके और लोगों को इस तरह इकट्ठे करा करके नारे लगाने के बाद आपको इंसाफ मिल पाएगा, तबरेज़ अंसारी को इंसाफ मिल पाएगा और सरकार तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो घटना घटी है, जो हत्या हुई है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में ये फैल चुकी है और जहां तक मैं समझता हूं, जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई माननीय नरेंद्र मोदी जी इसमें करेंगे और वो अपने भाषण में भी, उन्होंने संसद भवन में भी ये बात, ये मामला तो अदालत में है, मोदी जी के हाथ में तो नहीं है, ये मामला अदालत में है, अदालत इसका फैसला करेगी और जो पुलिस है वो इसमें चार्जशीट दाखिल करेगी। इसमें पार्टी का क्या रोल है, इसमें बीजेपी का या सत्ता का क्या रोल है? क्योंकि जिसने तबरेज अंसारी को मारा वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता था और जहां तक मैं समझता हूं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जितने भी हैं, घटिया किस्म के जो एक संस्थाएं बनी हुई हैं, जब तक बीजेपी सरकार इन पर अंकुश लगाने का काम नहीं करेगी तब तक पिछली सरकारों ने क्यों नहीं लगाया? आप बार बार बीजेपी सरकार पर अटैक कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने इन पर लगाम क्यों नहीं लगाया? पिछली सरकार, देखिए, पिछली सरकारों ने इस तरह के हमले हुए हैं, अब हमले बढ़ चुके हैं, मानते हैं इस सरकार में हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने इस तरह की घटिया किस्म की आज तक कोई घटना नहीं घटी। तो आप किस तरह देखते हैं, जो आपने आज यहाँ मेमोरेंडम दिया है, क्या उम्मीद करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से? हाँ, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति हमारी सुनवाई करेंगे और जल्द से जल्द इस पर फैसला होगा और तबरेज अंसारी को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया।